हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, अक्सर क्या होता है कि हम लोग पकौड़े बनाते हैं, चिल्ला बनाते हैं, छिलके बनाते हैं, तो उसमें चटनी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। चटनी के साथ ये टेस्ट और दुगना बढ़ा देता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले मैंने पुदीने की पत्ती को अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। तोड़कर मैंने इसे दो तीन बार अच्छी तरीके से धो लिया है। अब मैं इसके सारे पत्तों को पानी से निकालूंगी और मिक्सर जार में डालूंगी। तो आप पुदीने की पत्ती को अच्छी तरीके से दो तीन पानी से धो लें, उसके बाद ही इसका यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद मैंने लिया है कच्चा आम। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप नींबू से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और मैंने दो हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, और खटाई के लिए मैंने नींबू दिया। वैसे तो खटाई आम में भी होता है, लेकिन मैं इसमें नींबू देकर थोड़ा और इसकी खटाई बढ़ाऊंगी। तो चलिए, फिर हम ये पत्ती डालने के बाद अब हम आम को इसमें ऐड करते हैं। आम मैंने थोड़ा सा लिया है फ्रेंड, उसे मैंने छीलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद मैं लहसुन डालूंगी इसमें, एक हरी मिर्च डालूंगी, और जब ये इसका बैटर बना लूंगी, मैं चटनी बना लूंगी, उसके बाद इसमें नींबू, नमक और सरसों का तेल ऐड करूंगी। तो चलिए, इसे हम पीस लेते हैं। फ्रेंड, देखिए, ये एक बार मिक्सी चलाने के बाद ऐसा दिखता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और नींबू भी लगे हाथ इसमें नींबू भी डाल देंगे। तो फ्रेंड, इसी में आप नींबू भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे, अच्छी तरीके से इसको पीस लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके पास नींबू और कच्चा आम भी नहीं है तो आप टमाटर को रोस्ट करके पकाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए, हम इसे बंद कर लेते हैं और पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये हमारा इस तरीके का आपको बैटर बनाना है। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है फ्रेंड। अब हम इसमें नमक और सरसों का तेल ऐड करते हैं। तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर लें, क्योंकि मैंने नींबू मिला दिया है इसलिए इसमें खटाई और देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। करीब 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें तेल ऐड कीजिए। और उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा चटनी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चटनी फ्रेंड आप छिलका के साथ, चिल्ला के साथ, या फिर आप जो भी बना रहे हैं स्नैक्स के रूप में, तो इसके साथ चटनी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे प्रीति रेसिपी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।